दोस्तों, यह एक सिंपल कपड़े का फूल जिसे आपने शादी पार्टियों में तो देखा ही होगा। और यह है मेरा घर पर बनाया हुआ पॉलिथीन का फ्लावर जिसे आप अपने घर पर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं और राज के वीडियो में हम इसी तरीके का है फ्लावर पॉलिथीन का फ्लावर बनाने वाले। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहले आपको एक पॉलिथीन चाहिए होगा, ये देखिए। और आपको पॉलिथीन का इस भाग को यहाँ से इतना कट करना होगा और पीछे तरफ से भी इसे इधर रखे कट करना होगा। जैसे कि मैंने इधर कट करके रखा हुआ है, तो मैंने पॉलिथीन को दोनों साइड से कट कर लिया था। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इस तरीके से कट करने के बाद जो साइड वाला है इसे भी ऐसे ही कट कर लेना है। हो चुका है उसका। और आपको अपना हाथ को इसके नीचे ऐसे रख कर अपना एक उंगली को इसके अंदर डाल के ऐसे फंसा लेना है। उसके बाद आपको फोल्ड करके इसे लंबा से ऐसे कट कर देना है। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरा में वैसे और पूरा आपको तो इस पॉलिथीन के ऊपर से ऐसे निकाल लेना है कट करते हुए। बच्चा कुछ है उसके ऊपर से भी आपको ऐसे कैसे से निकाल लेना है। दोस्तों, अभी ऊपर थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है, तो आपको इसे बराबर करना है, मतलब प्लेन करना है। अब हम इसे अभी थोड़े कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं। और अब आपको चाहिए सुई और धागा, तो मैं अभी सुई और धागा लेकर आता हूँ। तो फिर चल दोस्तों, देखिए मैंने सुई और धागा ले आया है। और आपको इसके पीछे में सुई के पीछे में धागा खा लेना है। उसके बाद दोस्तों, तो इसके नीचे एक तरीके से सुई को फंसाते हुए धागा से इसे बांध देना है। मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ। इसका जैसे यहाँ से गठान में मुझे बांधना नहीं आया, मतलब बांधना आता है लेकिन टाइम हो गया, क्योंकि मैं एक हाथ में फ्लावर में पकड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं इसे इस साइड ऐसे करके इसे यहाँ पर से ऐसे घुमा लेता हूँ वापस। उसके बाद इस होल से सुई को बांध लेना है इस तरीके से। इसे एक बार और ट्राई मार के देखते हैं दोस्तों।